हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 4% के आसपास की बेहतरीन रैली यहां पर कल के दिन में आई है और इसी 4% की बदौलत स्टॉक हमारा हफ्ता भर का जो एक मोमेंटम रहा है उसको कंप्लीट कर चुका है विद 6% ऑफ अप मूव। यानी कि लास्ट हफ्ते में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 6% का रिटर्न आपको यहाँ पर दिया है, जैसा एक्सपेक्टेड भी था। पिछला हफ्ता यानी कि ये हफ्ता हमारा 17 से 22 का काफी बेहतरीन निकला है हमारा। बात करेंगे इस वीक में कि 57 रुपीज का जो स्टॉक है हमारा वो अगले हफ्ते में कैसा परफॉर्म करने वाला है, क्या कुछ बड़े इवेंट आपको वॉच करने हैं अगले हफ्ते में, सीईओ साहब की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट्स क्या आई हैं, क्या असर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स क्योंकि आ चुके हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट नहीं है यहाँ पर जो वॉच करना हो आपको, एक दो कुछ छोड़ दिया जाए अगर तो, जो कि पॉजिटिव है ज्यादातर। बट फिर भी अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कोई निवेश करना चाहता है, जैसा संजीव भासिन साहब ने कहा कि यहाँ पर पैसा डबल करके देगा आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या इसमें वो पोटेंशियल है या नहीं है, बात करेंगे इसी बारे में। क्या टारगेट होना चाहिए हमारे सामने जो लोग लॉस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 65-68 के आसपास की बाइंग कर रखी है, लॉस में है तो कब तक आपका लॉस रिकवर होता है। एक मोमेंटम में स्टॉक आ चुका है, अब क्या यहां से एक अच्छी रैली बरकरार रहेगी या नहीं, चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। बट उससे पहले अगर आपको चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की तो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले हफ्ते का जो चार्ट रहा है हमारा वो भी मोर और लेस काफी ठीक रहा है। 3 दिन लगातार गिरावट हुई थी हमारे सामने बट उसके बाद एक अच्छी रैली आई है, तो मोमेंटम में तो स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम नहीं है स्टॉक में। ये जरूर है यहाँ पर कि वॉल्यूम काफी कम हो चुका है हमारा और वही बड़ा कारण है कि स्टॉक एक तो स्लो ग्रोथ कर रहा है, हालांकि ग्रोथ में है यही बड़ी बात है। और यहां तक जैसे ग्रोथ किया था इसने, उसके बाद यहाँ के बाद फिर क्वार्टर फोर के नंबर्स का बहुत एक्सपेक्टेशंस वगैरह आया, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और जब नंबर्स आ गए तो उसके बाद 2-3 दिन गिरावट हुई और अब यहाँ पर स्टॉक में दोबारा से तेजी के चांसेस बन चुके हैं। स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले हफ्ते में काफी कुछ नंबर शो कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक हफ्ते के चार्ट की, तो देखो चार्ट ठीक ठाक रहा है। जैसा मैंने बोला कि 6% का आपको अपमूव यहां पर मिला है, यानी कि पिछले एक हफ्ते में आपको 6% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगर आपने मंडे को पैसा लगाया था या फ्राइडे को पैसा लगाया था तो अब तक आपका पैसा 6% के आसपास बढ़ चुका है, जैसा एक्सपेक्टेड भी था, जैसा हमने सैटरडे को बात भी किया था लास्ट सैटरडे को, ठीक है। तो इस हफ्ते में क्या होने वाला है, इस हफ्ते में इवेंट्स क्या क्या है उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला इवेंट क्वार्टर फोर का रिजल्ट था हमारे सामने जो कि आ चुका है। तो अभी अर्निंग सीजन है तो अर्निंग सीजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अर्निंग्स क्या होगी कंपनी की। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ प्रिडिक्ट किया था यहाँ पर, बहुत सारा एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लेकर के। प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये इसकी वजह से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि जो खबरें हैं हमारे सामने हमारे आसपास वो यही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये बहुत पॉपुलर एक कंपैरिजन किया जाता है लगातार लोगों के बीच में, और कहां तक सही है कहां तक नहीं वो हम अगली बार बात करेंगे। बट अभी के लिए अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे आए हैं। दिसंबर में अगर हम बात करें तो 3835 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू था और मार्च में 3834 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ कॉस्ट में एक्सपेंसेस में ग्रोथ है यहाँ पर, एक्सपेंसेस में तेजी बनी है हमारे सामने, और ये एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि लगातार बात होती रही है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने कॉस्ट पर काम करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंसिस पर काम करना पड़ेगा। रीजन यहाँ पर यही है कि कॉस्ट बढ़ने का, कैपिटल बैंक था पहले ये हमारा, अब ये रिटेल बैंकिंग में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ना लाजमी सी बात है यार, ये तो होगा ही। एक दो क्वार्टर अभी और नंबर्स खराब आ सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने, फाइनेंशियल सिचुएशन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी ठीक ठाक है हमारी, और अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें कहीं ना कहीं तो ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन रहा है। 203% का रिटर्न आपको एक साल में स्टॉक ने दिया है ला करके, जो कि काफी बेहतरीन है। 70% 6 मंथ्स में, 3 महीने में -8 एंड 1 महीने में 13%। अब इस स्टॉक में एक अच्छी रैली है। तो एक बड़ा इवेंट था Q4, वो नहीं है हमारे सामने। दूसरा बड़ा इवेंट आता है बाजार का इन्फ्लुएंस कैसा रहने वाला है। तो देखो बाजार एक इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर होने वाला है इस हफ्ते भी हमारा, क्योंकि बाजार को लेकर के काफी एक्सपेक्टेशन है हमारे सामने। एक तो इसराइल और गाजा का जो लगातार वॉर लाइक सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है इस समय पर, और इसीलिए ये मार्केट को फॉलो करेगा और मार्केट का मूव क्या होगा यही डिटरमाइन करेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मूव क्या रहने वाला है। मार्केट ने 15,100 का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है यहाँ पर। 175 की क्लोजिंग आई थी कल के दिन में, एक अच्छी रैली में था हमारा ओवरऑल बाजार और मोस्ट ऑफ इंडेक्सेस में एक अच्छी तेजी दिखी थी हमें।
मेटल सेक्टर में थोड़ी सी गिरावट जरूर। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी ठीक ठाक मोमेंटम में मार्केट हमारा बना था। कोविड के केसेस लगातार कम हुए हैं, पहले 4 लाख से नीचे आए, फिर 3 लाख से नीचे आ चुके हैं, अब 2,60,000 2,65,000 केसेस लगातार डेली आ रहे हैं। डेथ रेट थोड़ा सा बढ़ा है, 1% से बढ़ करके अब 1.5% के आसपास डेथ रेट हमारा पहुंच चुका है, जो कि काफी दुखद बात है। लगातार रोज के केसेस अगर हम देखें तो 4,000 साढ़े 4,000 लोग यहाँ पर नहीं बच पा रहे हैं किसी कारणवश, और वो कारण आप सभी जानते हैं हालांकि, बट फिर भी केसेस के मतलब नंबर ऑफ केसेस में कमी है यहाँ पर। साथ ही साथ म्यूकर माइकोसिस की केसेस की बात करें तो केसेस नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं यहाँ पर, बट डेथ रेट कम हुआ है। ठीक है, तो डेथ रेट में कमी आई है, ये भी एक अच्छी खबर है हमारे सामने, क्योंकि पहले तो जो प्रेडिक्ट किया गया था, द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर सेड म्यूकर माइकोसिस हैज 50% मोर्टैलिटी रेट, एडिंग दैट ट्रीटमेंट विल बी कंडक्टेड एट हॉस्पिटल हैज टेस्ट मेडिकल कॉलेजेस। तो वो एक समस्या वाली बात थी हमारे सामने, डेथ रेट काफी ऊंची तरह से घोषित किया गया था यहाँ पर। तो वैक्सीनेशन वगैरह का काम काफी तेजी से ड्राइव किया जा रहा है, मार्केट में अच्छी खबरें हैं हमारे सामने और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल ही रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो FII DII के फ्रंट से भी अच्छी खबरें आ रही है हमारे सामने। DII ने यहाँ पर खरीदारी की है कल के दिन में, और FII ने भी भारी भरकम खरीदारी की थी, और उसी का रिजल्ट था कि बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली थी। रिटेल इन्वेस्टर ने भी एक अच्छी खरीदारी कल के दिन में की है, और यही बड़ा कारण है कि बाजार इन ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है। ठीक है, तो खरीदारी यहाँ पर लगातार बन रही है। IFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। चार्ट पैटर्न की बात करें अगर हम, तो MACD हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। RSI की बात करें तो RSI हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है। लोअर साइड पर 53 का सपोर्ट लेकर के आप बाजार में बने रहिए, अपर साइड पर 59 का हमारे सामने पहला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। और बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म टारगेट की, जो कि जैसा संजीव भाषण साहब ने भी कहा, स्टॉक में डबल होने की एक पोटेंशियल है और डबल होगा भी ये स्टॉक हमारा। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 100, 150, 120 के आसपास का नंबर आता हुआ देखने को मिल सकता है इसमें इस साल में। विदिन ईयर में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, IFC फर्स्ट बैंक आपको 100, 120 के नंबर लाता हुआ दिखाएगा। खबरें अच्छी है बाजार को लेकर के भी, IFC फर्स्ट बैंक को लेकर के भी। जो लेटेस्ट खबर थी हमारे सामने वो यही थी कि वी वैद्यनाथन साहब ने 4.5 लाख शेयर्स के आसपास यहाँ पर दान किए थे, और उसका असर जो था वो नेगेटिव पड़ा था, जैसा हमें लगा भी था उसका असर 3 दिन की गिरावट के तौर पर देखने को मिला भी था। एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि CEO या MD जो भी काम करते हैं उनको शेयर होल्डर से पूछना चाहिए। एक कमेंट आया था कि तुमसे पूछ के थोड़ी करेगा, तो देखो भाई साहब की AGM की जो मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे कहा जाता है, तो उसमें CEO को अपने द्वारा दिए गए डिसीजन के ऊपर पूछना होता है, भले ही आपके पास कितने भी शेयर हैं, इसी को सेबी कंट्रोल करता है, इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, या इसी को आप मानते हो कि ये इनलीगल है। ठीक है, कि अगर CEO कोई भी डिसीजन रैशली ले लेता है तो उसका असर जो होता है वो लाखों इन्वेस्टर्स पर पड़ता है, और यही एक कारण है कि CEO को पूछना चाहिए। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर को बुलाया जाता है। अगर आपके पास मेल नहीं आती है तो मेल को सुधारो, मेल आएगी आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, वोटिंग होगी, वोटिंग प्रोसेस में शामिल किया जाएगा सभी को, बातचीत होती है वहां पर। ठीक है, तो वो थोड़ा सा शेयर होल्डिंग राइट्स को अपने जानिए आप लोग, थोड़ा सा वो जरूरी है। बाकी खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, 100 to 120 का टारगेट लेकर के बाजार में बनी रहिए, स्टॉक अच्छा है आपके सामने, खरीदारी करने की सलाह है। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना, सेल करना, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।